हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन बेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आपके लिए मैं कुछ 14 से 15 ऐसे प्रोडक्ट लेकर आया हूं, वो भी अमेज़ॉन से, जो आप परचेस कर सकते हैं अपने गार्डनिंग के अंदर। और हाँ, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे, तो डेफिनेटली आप ट्राई ज़रूर करना और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि सारे प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करा है पूरा डिटेल में मैंने शो करा है। क्या हुआ, वीडियो देखो आगे। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछूं? ओके, आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। उससे पहले पिछले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो मैंने पूछा था कि आपके पास कौन कौन से हिबिस्कस के प्लांट है, जिसमें बहुत सारे कलर वलर पूछा था आपने, बहुत सारे कमेंट करे दोस्त, बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट थे इस बार। तो इस बार का क्वेश्चन भी थोड़ा सा यूनिक है, बताऊँ क्या है। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपके पास कितने हैंगिंग पॉट है, मतलब क्वांटिटी में काउंट करके बताना है। मेरे पास 8 to 10 हैंगिंग पॉट्स है, आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे बताना। ऐसे मत बताना कि बहुत सारे हैं या बिल्कुल कम है, ऐसे मत बताना, काउंटिंग करके बताना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, रुको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो के ऊपर दोस्तों 5000 लाइक अगर आप देते हैं तो मुझे लगेगा हमारा कनेक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। वैसे तो आप सारे टारगेट्स पूरा कर रहे हैं, बट इस बार वी आर ट्राई करना 5000 लाइक, ओनली 5000 लाइक इस वीडियो के ऊपर डाल देंगे तो मुझे लगेगा काम हो रहा है हमारा बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों, वीडियो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसे 14 प्रोडक्ट ही क्यों सेलेक्ट करे और इनका क्या यूज़ होगा। दोस्तों, इन सारे प्रोडक्ट का डिटेल यूज़ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम सारे के सारे प्रोडक्ट को बहुत फास्ट फॉरवर्ड में अनबॉक्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक एक करके प्रोडक्ट को अनबॉक्स करा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा समय निकल जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सबसे पहले तो मैंने एक लिस्ट बनाई कि आप में से सबसे ज़्यादा लोग क्या परचेस करते हैं, और वो मुझे कैसे पता पड़ा। दोस्तों, वो एक अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट होता है, वहाँ से हमें पता चल ही जाता है कि आप क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं, और उस बेसिस पे मैंने 14 प्रोडक्ट सेलेक्ट करे जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे थे अमेज़ॉन पे। अब दोस्तों, अनबॉक्सिंग के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि आपको ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन से ख़रीदने हैं या नहीं है। आपका एक्सपीरियंस मैं एक वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से देखना, मैं एक एक प्रोडक्ट का बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली प्रोडक्ट नंबर 1 पर आ ही जाते हैं। सबसे पहले आप सारे के सारे प्रोडक्ट एक साथ देख लें। यहाँ पर लकड़ी बैम्बू है, हमारे पास गार्डनिंग टूल्स है, हमारे पास लोटस के सीड्स है, रूटिंग हार्मोन है, और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर। नंबर 1 है लकी बैम्बू, और दोस्तों कहा जाता है अगर बैम्बू का प्लांट आपकी दुकान पर या फिर आपके ऑफिस में है तो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा ये, और आपके बिजनेस को 4 चांद लगा देगा। और दोस्तों, एक बार लकी बैम्बू आपने परचेस करा और उसके बाद अगर आपने इसकी ग्रोथ देखी है, इसका मतलब आपका बिजनेस भी बढ़ रहा है, ये मान्यता है दोस्तों, और काफ़ी हद तक ये सच भी है। दोस्तों, वास्तु के हिसाब से कोई ना कोई प्लांट आपके घर पर या फिर आपके ऑफिस में होना ही चाहिए, और अगर इंडोर की बात करी जाए तो लकी बैम्बू को हम डेफिनेटली इंडोर रख सकते हैं, और आप छोटे से बाउल में इसे रख सकते हैं। इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, बस समय के साथ हमें वाटर चेंज करना है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। हमने इतने सारे प्रोडक्ट मंगाए, बट लकी बैम्बू की जो पैकिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी, इसलिए मैं आपके साथ फिर से वो शेयर कर रहा हूँ। देखें किस तरह से ये आया है पैक। ओके, प्लांट के अंदर वाटर भी था और प्लांट अभी तक अलाइव है और प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। दोस्तों, कम से कम 2 से 3 दिन तो इसको ट्रैवल में लगे, और इसका प्रोसेस देखें, एक ग्लास बाउल भी आया, वो भी एकदम परफेक्टली ऑल राइट था। और दोस्तों, मैं जितने भी प्रोडक्ट यहाँ शेयर कर रहा हूँ सारे के सारे 350 रुपये के नीचे ही है, मतलब 350 रुपीज़ के नीचे रहेंगे, एक भी प्रोडक्ट उसके ऊपर नहीं जाएगा। कितनी परफेक्ट पैकिंग है इस प्लांट की, प्लांट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। हालांकि कुछ लीव्स दब गई है, बट वो समय के साथ अपने आप सीधी हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखें किस तरह से एक प्लास्टिक की थैली में इसकी जड़ों को रैप कर रखा था, और जड़ों के नीचे दोस्तों पता है आपको क्या है, जो छोटे छोटे बेबी होते हैं, उनके डायपर होते हैं, उनके अंदर जो स्मॉल वाटर एब्जॉर्बिंग पाउडर होता है, वो वाला पाउडर यूज़ करके इसे भेजा गया है।
अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस और लकी बैम्बू दोनों एक साथ बढ़े, तो इस लकी बैम्बू को दोस्तों आप ऐसी जगह रखना जहां पर इसके ऊपर ब्राइट लाइट आती हो, डायरेक्ट सनलाइट नहीं, ब्राइट लाइट आती हो, विंडो के पास सबसे बेस्ट प्लेस है ये। नंबर टू, रोज़ प्लांट फर्टिलाइज़र। और दोस्तों ये फर्टिलाइज़र सच में काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारी ये रोज़ काफ़ी अच्छे खिल चुके हैं और इनका कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आ रहा है। देखें कितना रेड, कितना ज़्यादा ही रेड है, और पिंकिश, काफ़ी ज़्यादा पिंकिश नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं अनबॉक्स करके हमारे रोज़ प्लांट फर्टिलाइज़र के बारे में। दोस्तों अगर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल अगर आपको चेक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मतलब डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन पे वो कितने का मिल रहा है, कितना अभी करंट प्राइस है। हमने जितने भी प्रोडक्ट परचेस करे हैं वो 350 रुपीज़ के नीचे ही है। पहली नज़र में तो दोस्तों ये ऐसा लगता है कि ये काउडंग कंपोस्ट ही है, बट इसके ऊपर मैंने डिटेल में पढ़ा तो इसके ऊपर लिखा हुआ था बहुत सारे माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये कवर कर रहा है, प्लांट को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रख रहा है। और दोस्तों ये फर्टिलाइज़र जो है वो सेफ़ भी है पेट्स और बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख लेते हैं कैसे करना है। हमने दोस्तों 70% गार्डन सॉइल ली है और उसके अंदर 30% हम ये वाला फर्टिलाइज़र मिक्स करेंगे और दो रोज़ के प्लांट लगाएंगे। नंबर 3 है लोटस सीड्स। और दोस्तों ये 10-12 दिन का अपडेट है, मतलब आप समझ लो कितनी मेहनत हो रही है एक वीडियो को बनाने में, तो अब हमारा लाइक का टारगेट ज़रूर पूरा कर देना दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, हमारे लोटस के सीड ने रूट भी निकाल दी है और बाकी के दो सीड्स के ऊपर भी नज़र हम डालते हैं दोस्तों। एक जर्मिनेशन ले रहा है और एक का तो दोस्तों हाल ही बुरा हो गया है, एक शायद फंगस की वजह से ख़राब हो गया है। अब हमारे पास दोस्तों दो सीड के पैकेट आ चुके हैं, मतलब इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट सीड है। चलिए एक को खोल के देख लेते हैं और कितने सीड्स निकलते हैं वो भी चेक करते हैं। अब लोटस के सीड्स को ग्रो करने का आप तरीका देखें, आपको या तो सैंड पेपर की ज़रूरत होगी या फिर आप वॉल पर भी स्क्रैच करके इन्हें स्क्रैच कर सकते हैं। आपको दोनों साइड से हल्का हल्का सा स्क्रैच करना है ताकि सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाए। लोटस के सीड्स को ग्रो होने के लिए दोस्तों एक बाउल की ज़रूरत होती है जिसमें काफ़ी सारा वाटर हो, तो हमारा बाउल जब तक भर रहा है तब तक एक गिव अवे अनाउंस करते हैं। और दोस्तों आप में से जो भी बेस्ट कमेंट करेगा, जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड, तो हम ये साइड में पड़ा हुआ जो लोटस का पैकेट है वो पूरा का पूरा उसको गिफ्ट कर देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है वो भी हमने जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड, और ये पैकेट देख ले, सील पैक है, अभी तक खोला भी नहीं है। नंबर 4, आई एम ग्रूट। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी फेमस कैरेक्टर है और काफ़ी खूबसूरत भी लगता है, एज ए डेकोरेटिव आपके गार्डन की शोभा तो बढ़ाएगा ही है। अगर आप इसे इंडोर रखते हैं या फिर अपने ऑफिस के किसी भी टेबल या डेस्क पर रखते हैं तो डेफिनेटली ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर हम ज़ेब्रा प्लांट का यूज़ कर रहे हैं जो एक सर्कुलेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, मतलब पानी बहुत कम चाहिए, और हम ग्रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट का यूज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा मैस आउट भी ना हो और प्लांट काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो भी हो जाए। फाइनली हमारा ग्रूट रेडी है दोस्तों, आपको वीक में एक बार इसे वाटर देना है अगर सकुलेंट ग्रो करा है, और बस इसे अपने ऑफिस या फिर बेडरूम या फिर डाइनिंग हॉल या फिर गेस्ट रूम कहीं पर भी रखकर अपने घर की शोभा बढ़ाएं। नंबर 5, गार्डनिंग टूल। और दोस्तों लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने लगभग 3 साल पहले सेम टू सेम गार्डनिंग टूल लिए थे और अभी भी यही परचेस करे हैं, और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दोस्तों, अभी तक सारे के सारे चल रहे हैं। हालांकि वियर एंड टीयर होता रहता है साल दर साल, बट फिर भी 3 ईयर्स और अभी भी चल रहे हैं, मतलब काफ़ी गुड क्वालिटी है, तो आप भी डेफिनेटली इन टूल्स को परचेस कर सकते हैं। नंबर 6, कोकोपीट। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपकी सीडलिंग या फिर आपकी कटिंग सक्सेसफुल रेट से ग्रो हो तो डेफिनेटली आपको कोकोपीट ट्राई करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हिचकिचाते हैं, काफ़ी सारे लोगों को अवेलेबल नहीं होता है कोकोपीट, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें, आपको वहाँ से परचेस लिंक जरूर मिल जाएगा। अब दोस्तों इसको यूज़ कैसे करना है वो देख लें। सबसे पहले तो इस ब्लॉक को आपको फ्री करना है इस प्लास्टिक रैप से, और एक बड़े से टब में इसको डाल के इसको पूरा का पूरा गीला करके इसको फ्री करना है, क्योंकि दोस्तों अभी ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और जैसे इसके अंदर वाटर डालेंगे हम धीरे धीरे ये दोस्तों
वाटर एब्जॉर्ब करके लूज़ हो जाएगा और फिर प्लांट्स के लिए यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब ये दोस्तों सीडलिंग्स के लिए, कटिंग्स के लिए या फिर किसी प्लांट के सॉइल मिक्स को लूज़ बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम सीड्स के लिए कैसे यूज़ करते हैं। सीड्स को ग्रो करने के लिए आप सीडलिंग ट्रे का यूज़ कर सकते हैं। इसमें दोस्तों सीड्स ग्रो काफ़ी अच्छे तरीके से होते हैं और कॉम्पैक्ट जगह में जल्दी रिजल्ट भी देते हैं। हम यहाँ पर टमाटो के सीड्स ग्रो करेंगे और दोस्तों टमाटो के सीड्स को हमेशा ग्रो करके ट्रांसफ़र करना ही पड़ता है, इसलिए सबसे बेस्ट होता है इसे कोकोपीट में ग्रो करके बड़े से पॉट में आप ट्रांसफ़र करें। बस आपको करना कुछ नहीं है, एक एक सीड्स आपको एक एक इंडिविजुअल बॉक्स में रखना है। नंबर 7 काउ मैन्योर। और दोस्तों मेरा वन ऑफ द फेवरेट फर्टिलाइज़र है और मैं अपने 99% प्लांट्स में यही यूज़ करता हूँ। देख रहे हो इसका कलर कितना ज़्यादा डार्क ब्लैक है। दोस्तों इसको ब्लैक गोल्ड भी कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक रिच है और आपके किसी भी प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। काउ मैन्योर काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है दोस्तों, तो इसको यूज़ करने का तरीका आप देख लिए। 5 kg सॉइल के ऊपर आपको 1 kg काउ मैन्योर यूज़ करना है, जिसे आप देख रहे हैं सेम टू सेम हमने ऐसे यूज़ करा है। यहाँ पर दोस्तों हम कोरिएंडर की सॉइल मिक्स बना रहे हैं, उसको लूज़ बनाने के लिए हमने थोड़ा कोकोपीट भी मिक्स कर दिया है। चलिए दोस्तों मिक्स कर लेते हैं और ग्रो कर लेते हैं कोरिएंडर। नंबर 8 वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र। और दोस्तों ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अनोखा है दोस्तों, इसको हमने डिटेल में कैसे बनाते हैं वो भी कवर करा है, अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वर्मी कंपोस्ट के दोस्तों फ़ायदे बहुत है और नुकसान बहुत कम है, ना के बराबर नुकसान है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही सॉफ्ट फर्टिलाइज़र है, बहुत ही लाइट फर्टिलाइज़र है, किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी सीडलिंग के लिए और किसी भी कटिंग के लिए ये यूज़ करा जा सकता है। बिल्कुल भी इसके अंदर गर्मी नहीं होती है और ये प्लांट्स की रूट्स को गलाता और जलाता भी नहीं है। आप शायद नोटिस भी कर रहे होंगे हम न्यू टूल्स का काफ़ी जगह यूज़ भी कर रहे हैं, तो आप देख लें कैसे टूल्स को यूज़ करा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम तुलसी प्लांट को ग्रो करेंगे, उसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करेंगे 20% हम यूज़ करेंगे कोकोपीट और बाकी का जो 60% है वो नॉर्मल सॉइल यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने सॉइल मिक्स बनाया और अपने प्लांट को ग्रो कर दिया। नंबर 9 हैंगिंग पॉट्स। और अगर हमारे गार्डन में हैंगिंग पॉट्स ही ना हो तो हमारा दोस्तों गार्डन काफ़ी अधूरा सा रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अमेज़ॉन से हैंगिंग पॉट भी ऑर्डर करे और यहाँ पर वो मल्टीपल कलर्स में ऑर्डर करे, जिससे अपने गार्डन के अंदर कलर बहुत अच्छे तरीके से बिखेरे। अब दोस्तों इसमें खास बात यह है कि हमें हैंगिंग पॉट वो ही लेने चाहिए जिनकी लोहे की स्ट्रिंग हो, क्योंकि प्लास्टिक की स्ट्रिंग टूट जाती है, जो मैं थोड़ी देर में आपको शो करूंगा। पहले आप इन पर नज़र डाल दें कितने खूबसूरत और कलरफुल लग रहे हैं। अब इन स्ट्रिंग्स को लगाने का तरीका देखें, आप अंदर से स्लाइड करके बस आपको ऊपर की तरफ खींचना है और ये अटक जाएगा। प्लास्टिक की स्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, इसलिए दोस्तों आप इसे प्रेफर ना करें और लोहे की स्ट्रिंग पर ही जाएं। चलिए दोस्तों हमारा जो पॉट टूट गया है उसको अब फ्रेश न्यू पॉट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नंबर 10 लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र। दोस्तों बहुत ही खास है, प्लांट की मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करता है। अब दोस्तों इसको बनाया कैसे जाता है, तो समुद्र की गहराई में जो वीड्स उग जाते हैं उनके थ्रू ये बनाया जाता है। अगर आपके प्लांट्स की ग्रोथ रुक गई है तो डेफिनेटली इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना बनता है, क्योंकि हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स या फिर जितने भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सीवीड फर्टिलाइज़र आप यूज़ करें, आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। अब इसे यूज़ कैसे करना है आप उस पर ध्यान दीजिएगा। 5 ml आपको लिक्विड सीवीड लेना है और इसको 5 L या फिर कम से कम 3 L में आपको डिजोल्व करके अपने प्लांट्स की जड़ों में डालना है, उससे प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ होगी और प्लांट और भी ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा। इंडोर और आउटडोर दोनों प्लांट के लिए दोस्तों बेस्ट फर्टिलाइज़र है, और अगर आप मनी प्लांट वाटर बॉटल में ग्रो करते हैं तो उसमें भी आप डेफिनेटली इसको दे सकते हैं। नंबर 11 रूटिंग हार्मोन। और दोस्तों कमर्शियल लेवल पर तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनको तो बिजनेस करना है और उनकी कटिंग बिल्कुल भी फेल नहीं होनी चाहिए, तो क्यों ना दोस्तों हम भी इसे यूज़ करें और हम जो भी कटिंग ग्रो करें वो हमारी फेल ना हो। बहुत ईजी टू यूज़ है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है।
ये देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको आपकी रूटिंग हार्मोन की डब्बी हमेशा क्लोज रखनी है ताकि वो ख़राब ना हो, और जब भी आप न्यू कटिंग लेकर आइए उसमें डिप करिए और बस आप जिस भी सॉयल मिक्स में लगाना चाहते हैं उसमें लगा दीजिए, बहुत आसान है। और अगर एक्स्ट्रा रूटिंग हार्मोन चिपक रहा हो तो उसे झटक कर आप फ्री कर सकते हैं। नंबर 12, DAP फर्टिलाइज़र। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, अगर आप फ्लावरिंग सीजनल प्लांट ग्रो करते हैं तो इसका यूज़ तो बनता है। वैसे तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, इसका प्रमोट करना नहीं चाहिए, बट अगर आपके प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं या फिर हल्की फुल्की ग्रोथ रुकी हुई है तो इस फर्टिलाइज़र को डेफिनेटली यूज़ करके आप अपने प्लांट के ऊपर फिर से ग्रोथ और फ्लावरिंग पा सकते हैं। इसको दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये जो दाने हैं इनको सिंपली अपने किसी भी प्लांट की पॉट के ऊपर बिखेर दें, या फिर दूसरा सिस्टम है इसको पोटली बनाकर आप किसी भी प्लांट की सॉइल मिक्स के अंदर डाल दें और धीरे धीरे वाटर के थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नंबर 13, एप्सम सॉल्ट। बेसिकली दोस्तों ये फर्टिलाइज़र उन प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा कारगर है जो लीवी प्लांट होते हैं, और जो इंडोर प्लांट होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। होता कुछ नहीं है दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट है जो प्लांट को और भी ज़्यादा लश ग्रीन बनाने में मदद करता है, ये वही केमिकल है। इसको यूज़ करने का तरीका आप देख लें, 1 लीटर वाटर बॉटल में आपको 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर 2 लीटर है तो 2 चम्मच डाल दीजिए, और बस अच्छे से शेक करके आप अपने प्लांट्स की लीफ के ऊपर स्प्रे करें, उसकी रूट्स के ऊपर, उसके स्टेम के ऊपर, जहाँ भी आप प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ चाहते हैं वहाँ पर उसको स्प्रे करके आप उसकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं।